उर्दू भाषा प्रोत्साहन राज्य योजना अंतर्गत वाद विवाद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में जिला स्तर पर उर्दू भाषा छात्र छात्रा प्रोत्साहन राज्य योजना अंतर्गत वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन परीक्षा ग्रह दरभंगा में जिला उर्दू भाषा कोषांग दरभंगा द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अपर समाहर्ता अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला अल्पसंख्यक कल्याण मोहम्मद रिजवान अहमद, शर्मा अधीक्षक राकेश रंजन, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग नेहा कुमारी के द्वारा समारोह रोशन कर किया गया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी के सक्रियता से इस तरह के सफल कार्यक्रम विगत वर्षों से दरभंगा जिले में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उर्दू भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए तथा आम लोगों को उर्दू सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन राज्य के सभी जिलों में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब वे वर्ष 2011 में दरभंगा के सामान्य शाखा के प्रभारी पदाधिकारी थे, उस दौरान समाहरणालय के कर्मियों या पदाधिकारियों को उर्दू भाषा सिखलाया जाता था। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयास पुनः किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों की हौसला अफजाई की। इस अवसर पर उपनिदेशक जनसंपर्क ने कहा कि उर्दू बहुत ही प्यारी जुबान है और इसका विकास हिंदुस्तान में सिंध के आक्रमण के उपरांत से मुगल सल्तनत तक होता रहा है और अंत में यह उर्दू भाषा का रूप अख्तियार कर लिया। हिंदी और उर्दू भाई बहन की तरह गंगा जमुनी संस्कृति का वाहक है। उन्होंने कहा कि वे खुद भी उर्दू पढ़ना एवं लिखना जानते हैं, जिस पर सभी लोगों ने प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कार्यक्रम की सफलता हेतु अपनी शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रम अधीक्षक ने कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागी बच्चों का हौसला अफजाई की तथा कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को अपनी शुभकामनाएं दी। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उल्लेखनीय है कि मैट्रिक के 50, इंटर के 20 एवं स्नातक के 20 प्रतिभागी प्रतियोगिता में भाग लिए। उर्दू निदेशालय द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित होते रहती है, प्रत्येक साल आयोजित होती है, तो उसमें आज खास करके उर्दू जो हमारा लैंग्वेज है उसको आगे बढ़ाने के लिए और लोगों से रूबरू कराने के लिए इसकी महत्ता अहमियत के रूप में जो है, तो उसी रूप में आज यहाँ पर कुछ प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है। खास करके वाद विवाद प्रतियोगिता अभी देख रहे हैं, दोनों साइड में ये बच्चे बैठे हुए हैं। इसमें हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन लेवल के लोग जो है सो भाग लेंगे। ये 2 दिनों तक प्रोग्राम लगातार चलेगा और सभी लोग आज उपस्थित हैं, बहुत लोग जो है सो भरे हुए हैं और सभी आनंद ले रहे हैं और हम समझते हैं बेहतर प्रोग्राम जो है सो इस दिशा में आयोजित की जाए। उर्दू जबान से मुतालिक महकमा काबीना सेक्रेटेरिएट उर्दू डायरेक्टरेट की ज़िला उर्दू ज़बान सेल के ज़ेर अहतमाम एक मुसाबका मुबाहिसा मुनक़द की गई है। इसमें मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के बच्चे भाग ले रहे हैं। इनका जो मुसाबका का उन्वान है वो महकमा की तरफ से ही आया है और हम देख रहे हैं कि पूरे ज़िला के इसमें नुमाइंदगी हो रही है। मदारिस से भी बच्चे आए हैं, हाई स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ से भी बच्चे आए हैं और हमारे स्टेज पर मौजूद एडीएम सर, उनकी रहनुमाई में ये प्रोग्राम आज इनकाद किया जा रहा है। मैं इसकी कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात और दुआगू हूँ। थैंक यू। कितने प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं? इसमें मैट्रिक के 50 बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया है, इंटरमीडिएट के 20 बच्चों ने और ग्रेजुएशन के 20 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हम लोग तीनों सेगमेंट में एक फर्स्ट प्राइज़, 2 सेकेंड प्राइज और 3 थर्ड प्राइज़ देंगे। कुल मिलाकर 24 बच्चों को जो इनामी रकम है वो दी जाएगी। इसके अलावा जिन बच्चों ने भी आज यहाँ पार्टिसिपेशन किया है उनको हम लोग एक सनद सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी देंगे।